हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज अपनी एक्सरसाइज करते हैं अपन 9.4। सेकंड में अपन ने आइडेंटिफाई एंड एडिशन सब्ट्रैक्शन और थर्ड फोर में अपन ने मल्टीप्लाई पढ़ा था मोनोमियल्स वाला। अब अपन बाइनोमियल्स का मल्टीप्लिकेशन पढ़ते हैं 9.4 में। तो मल्टीप्लाई द बाइनोमियल्स, तो बाइनोमियल्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? जो फर्स्ट टर्म होती है उसको सबसे पहले फर्स्ट टर्म से, फिर जो फर्स्ट टर्म होती है उसको सेकेंड टर्म से, इसी तरीके से सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से और सेकेंड टर्म को सेकेंड टर्म से। लिखते कैसे हैं इसको? इसको लिखेंगे कुछ इस तरीके से, 2x है तो 2x, फिर 4x माइनस 3, फिर अगर प्लस का साइन है तो प्लस 5 इंटू 4x माइनस 3। आगे समझ में? फर्स्ट टर्म लिखी, सेकेंड ऐसा का ऐसा, फिर फर्स्ट की सेकेंड टर्म लिखी और सेकेंड ऐसा का ऐसा। अब करेंगे कैसे? बिल्कुल उसी मल्टीप्लाई की तरह जैसे मोनोमियल्स से अपन ने मल्टीप्लाई किया था बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स को। तो 2 4 8 आक्स स्क्वायर, 2 3 6 माइनस का, प्लस 5 4 20x, 3 5 माइनस का 50, 2 3 6x। अब इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन रहेगी अपनी कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर को लिखेंगे तो 8x स्क्वायर, अब माइनस का 6x यहाँ पे और 10 यहाँ पे, तो इसको क्या लिखेंगे? सोल्व करके लिखेंगे माइनस के 14 प्लस के 14x माइनस के 50, इस तरीके से लिखेंगे। ओके, तो सेकंड कैसे करेंगे? बिल्कुल इसी तरीके से सबसे पहले 2.5L लिखेंगे, उसके बाद सेकंड ब्रेक है 2.5L प्लस 0.5M, फिर माइनस का साइन है तो माइनस का 0.5M और सेकंड ब्रेक है ऐसा कैसा 2.5L प्लस 0.5M। अब सोल्व करेंगे इसको, 2.5 को 2.5 से करेंगे तो 6.25L इंटू L स्क्वायर। अब इसको इससे करेंगे प्लस का 1.25 LM, फिर यहां पे आ गए 0.5 है ना, 0.5 यहां पे आ गए, तो सबसे पहले साइन है माइनस का, तो माइनस 2.5 को 5 से करेंगे 1.25 LM प्लस 0.5 माइनस 5 को 5 से 0.25 m स्क्वायर। अब सोल्व करेंगे बिल्कुल इसी तरीके से ऊपर वाले के जैसे, 6.25 l स्क्वायर माइनस 0.25 m स्क्वायर इसको। अब ये देखो 1.25 LM और 1.25 LM, एक प्लस का एक माइनस का, तो ये दोनों कैंसिल। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, बिल्कुल इसी तरीके से 2PQ मल्टीप्लाई 3PQ माइनस 2Q स्क्वायर, प्लस का साइन है तो प्लस 3Q स्क्वायर 3PQ माइनस 2Q स्क्वायर। सोल्व करते हैं, 2 3 6 PQ यहाँ पे, PQ यहाँ पे, तो P² Q² अब प्लस माइनस माइनस 2 2 4, तो 4 P की वैल्यू इधर है नहीं P, तो 4 Q की पावर 3, 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो Q की पावर 3। अब इसको करते हैं 3 3 9 P Q की पावर 3 माइनस प्लस माइनस माइनस 2 3 6 क्यू की पावर 4। तो इसको लिखेंगे कैसे? सबसे पहले जिसकी पावर ज्यादा आ रही है क्यू की पावर 4 माइन प्लस 6 P² Q² अब P Q Q भी है तो प्लस का 5 PQ Q, ये हो गया अपना फाइव वाला। और इस तरीके से अपन क्वेश्चन फर्स्ट ही
पूरा सोल्व कर सकते हैं कंप्लीट। इसके बाद क्वेश्चन सेकंड, फाइंड द प्रोडक्ट, बिल्कुल यही मेथड काम में लेंगे यहां पे भी। तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3 प्लस x से, और माइनस 2 x को करेंगे 3 प्लस x से। 3 5 जा 15 प्लस 5 x, माइनस 2 3 जा 6 x, माइनस 2 x स्क्वायर। तो सबसे पहले x स्क्वायर रखेंगे तो माइनस 2 x स्क्वायर। अब x ये प्लस का है ये माइनस का है, तो माइनस x और प्लस 15। इसी तरीके से नेक्स्ट नेक्स्ट के लिए p स्क्वायर, 2p प्लस q माइनस q स्क्वायर, 2p प्लस q। तो p स्क्वायर को 2p से करेंगे तो 2pq प्लस pq p स्क्वायर q माइनस 2p q स्क्वायर माइनस q q। तो आंसर हो जाएगा 2p क्यूब माइनस q क्यूब प्लस p स्क्वायर क्यूब माइनस 2p q स्क्वायर। कोई भी कैंसिल नहीं हो रहा तो ऐसा वैसा आ जाएगा। यहां तक ये हो गया, अब यहां तक ये हो गया, और यहां पे इसका आंसर हो गया, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया। सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई में भी कुछ नहीं करना है, केवल ये प्रोडक्ट ही आपको करना है। कैसे, इसका प्रोडक्ट इसके साथ प्लस 25 करना है। तो इस बार अपन क्या है, थोड़ा समझ गए हैं तो थोड़ा स्पीडली करेंगे। एक्स स्क्वायर को एक्स से करेंगे तो एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर को 5 से करेंगे तो 5 एक्स स्क्वायर, 5 को माइनस 5 एक्स, और माइनस प्लस माइनस 25 प्लस 25, 5 से 25 से 25 कैंसिल। तो अपना आया आंसर एक्स क्यूब प्लस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स। अब 4 में ए को सी से करेंगे तो ए सी, ए को डी से करेंगे तो माइनस का ए डी प्लस बी सी माइनस का बी डी प्लस ए सी प्लस ए डी, ए सी प्लस ए डी माइनस बी सी माइनस बी डी प्लस टू ए सी प्लस टू बी डी। ए सी अब कैंसिल करेंगे इसमें, ए सी यहाँ पे, ए सी यहाँ पे कैंसिल, ए डी ये माइनस का है और ये ए डी प्लस का है, ये भी कैंसिल, ये बी सी प्लस का है, ये बी सी माइनस का है, ये भी कैंसिल, ये माइनस का बी डी, ये माइनस का बी डी, ये प्लस का टू बी डी कैंसिल। आंसर आया अपना 2ac। अपने अपन ने गलत कट कर दिया, ये ac रहेगा और ये भी ac रहेगा, और इस तरीके से आंसर आ जाएगी अपने 4ac। आंसर क्या आएगी 4ac। और इस तरीके से अपनी एक्सरसाइज होगी 9.4 कंप्लीट। ओके, थैंक यू।